हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था हु कुड एंटर टेंपल, तो हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी जान लिया था। अब हम एक और पर्सन के बारे में, एक और रिफॉर्मर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ईवी रामास्वामी नायकर। तो उनके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, कौन लॉन्च करता है उसे, कौन उसका लीडर होता है, तो वो सब कुछ हम अब पढ़ने वाले हैं। तो जो नॉन ब्राह्मण कास्ट होती है, जो ब्राह्मण्स के अलावा दूसरे लीडर्स जो होते हैं जो कि ब्राह्मण्स नहीं हैं, तो जो नॉन ब्राह्मण्स कास्ट होती है, चाहे वो मेल हो चाहे उसके अंदर कोई फीमेल हो, तो नॉन ब्राह्मण कास्ट एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। अब जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के पीपल्स होते हैं वो भी एजुकेशन को असर्ट कर लेते हैं, वो भी स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, तो उनको भी एजुकेशन का नॉलेज हो जाता है। वेल्थ, अब अगर मान लो उनको एजुकेशन का नॉलेज हो गया, उन्हें कोई ना कोई काम करना आ गया, तो अब मान लो उन्हें कोई अपने काम पे रख लेगा और उनके उनको पैसे दे देगा, तो उनके पास में अब पैसा भी हो गया, तो उनके पास में एजुकेशन भी हो गई, और जब उनका थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया तो उनको कोई काम दे देता है, उनको कोई जॉब दे देता है, तो उनके पास में वेल्थ भी आ गया। एंड इन्फ्लुएंसेस, अब उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास में वेल्थ भी है, तो वो क्या कर लेते हैं, खुद को सोसाइटी के अंदर स्थापित कर लेते हैं, खुद को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो नॉन ब्राह्मण कास्ट वो स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, उनको एजुकेशन मिल जाते हैं, उनके पास वेल्थ हो जाता है, और वो पूरी सोसाइटी के अंदर खुद को एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं। फिर चाहे से वो नॉन ब्राह्मण्स की बात करें, तो वो नॉन ब्राह्मण्स होते हुए भी एजुकेशन के थ्रू खुद को सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। दे आर्ग्यूड, अब हम किसकी बात करें, ईवी रामास्वामी नायकर। अब ईवी रामास्वामी नायकर बोलते क्या है, दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर। अब आर्यन इन्वेडर, तो इनके बारे में आर्यन इन्वेडर्स की बात तो एक पर्सन ने और भी कही थी, तो वो हमने गुलामगिरी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो ज्योतिराव फुले थे वो भी आर्यन इन्वेडर्स के बारे में बताते हैं, और वही ईवी रामास्वामी नायकर भी बताते हैं। तो ईवी रामास्वामी, दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। आर्यन इन्वेडर्स मतलब जो कि बाहर से आए हैं, जिन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और बाद में वो इंडियंस को तो लोअर कास्ट के बोल देते हैं, और वो जो आर्यंस हैं वो खुद अपर कास्ट के बन जाते हैं। तो ईवी रामास्वामी क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मिन्स हैं वो आर्यन इन्वेडर्स हैं, फ्रॉम द नॉर्थ, कहाँ से आए हैं, वो नॉर्थ से आए हैं, मतलब इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट से वो आर्यंस आए हैं, हु हैड कॉन्क्यूर्ड साउथर्न लैंड, और इन्होंने क्या कर लिया, जो साउथर्न लैंड है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ये जो ब्राह्मण्स बोलते हैं कि हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्राह्मण्स आर्यन इन्वेडर्स है जो कि इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट से आए, और इन्होंने साउथर्न पार्ट्स के जितने भी पीपल्स होते हैं उनके ऊपर अपना रूल कर लिया, और वहाँ की जितनी भी लैंड होती है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन। किसके ऊपर कर लिया, वहाँ के जो ओरिजिन, उस एरिया के जितने भी लोकल वहाँ के पर्सन्स होते हैं, तो फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। अब साउथर्न पार्ट के जितने भी पीपल्स होते हैं, तो साउथर्न पार्ट के जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उन्हें वहाँ का इंडिजीनियस ड्रेविडियंस बोला जाता है। तो साउथर्न पार्ट के पीपल्स के लिए ज़्यादातर इंडिजीनियस ड्रेविडियंस जो वर्ड है वो यूज़ में लिया जाता है, मतलब वो इंडिजीनियस ड्रेविडियंस वहाँ के पर्सन्स हैं, वो साउथर्न पार्ट के ही पर्सन्स हैं, तो इंडिजीनियस ड्रेविडियंस। फिर दे चैलेंज ब्राह्मिनिकल क्लेम्स टू पावर। अब जो ईवी रामास्वामी नायकर है वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मिनिकल क्लेम्स टू पावर, जो ब्राह्मण्स अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि आप ये जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है, आप आर्यन इन्वेडर्स हो जो कि इंडिया के नॉर्थन पार्ट से आए हो, और आपने जो साउथर्न पार्ट के वहाँ के इंडिजीनियस ड्रेविडियंस हैं उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और बोल दिया है, आपने बोला है कि ये जो लैंड है ये हमारी है और हम ही आगे रूलर है। तो जो ब्राह्मिनिकल्स को चैलेंज करते हैं
वो वन सच लीडर वाज ईवी रामास्वामी नायकर, तो जो कि ब्राह्मिन्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके जो वर्क होता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अंदर वन सच लीडर है ईवी रामास्वामी नायकर और उन्हें पेरियर भी बोला जाता है। तो पेरियर क्यों बोला जाता है, उन्हें एक रिस्पेक्टेड वर्ड है जो कि ईवी रामास्वामी नायकर के लिए यूज में लिया जाता है पेरियर। फिर ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ, और ये क्या करते हैं, ये संतों की तरह अपना जीवन जीते थे, तो संत की तरह ही अपना जीवन जीते थे, ये ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होता है अगर उसके अंदर सही लिखा हुआ होता है तो ब्राह्मण्स को दिखाते हैं कि देखो इसके अंदर यह लिखा हुआ है और वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो संत की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं। स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स, और वो संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत के अंदर जितने जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो जो प्रोविजंस होते हैं उनको भी रीड करते हैं। बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और वो कांग्रेस के मेंबर भी बन जाते हैं, तो वो एक संत की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और वो संस्कृत स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और वो एक बार कांग्रेस के लीडर भी बन जाते हैं। तो हमने जो ईवी रामास्वामी नायकर है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने देख लिया कि जो ईवी रामास्वामी नायकर थे वो कांग्रेस के एक लीडर थे, तो मतलब हमने इससे पता चलता है कि जो ईवी रामास्वामी नायकर है वो इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहते थे, तो वो भी नेशनलिस्ट थे। तो जो एक बार क्या होता है कि एक फिस्ट ऑर्गेनाइज की जाती है, एक फिस्ट ऑर्गेनाइज जो है वो की जाती है, तो उसके अंदर जो ईवी रामास्वामी नायकर है वो हर्ट हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों, ऐसा क्या होता है उसके अंदर, तो गॉट हर्ट एट अ फिस्ट ऑर्गेनाइज बाई नेशनलिस्ट, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने एक फिस्ट ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर ईवी रामास्वामी नायकर भी गए थे, लेकिन उसके अंदर वो हर्ट हो जाते हैं। क्यों, वेयर सीटिंग अरेंजमेंट वर मेड फॉलोइंग कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो कास्ट के बेसिस पे किया जाता है, जो लोअर कास्ट होंगे उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा, अपर कास्ट का अलग होगा, तो इसके कारण से जो ईवी रामास्वामी नायकर है वो हर्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आप इंडियंस के बीच में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इंडिया के ही लोगों के बीच में इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो फिर आप आज़ादी क्यों दिला रहे हो देश को, इससे देश गुलाम ही ठीक है। तो बाद में वो क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो उस कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तो लेफ्ट कांग्रेस, वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू होल्डर्स, मतलब जितने भी अनटचेबल्स होते हैं वो ट्रू अप होल्डर्स होते हैं, मतलब वो अपने कल्चर को बचा के रखते हैं, तो अनटचेबल्स ट्रू अप होल्डर्स हो गए ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड ड्रेविडियंस कल्चर, जैसे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, तो इंडिया का ये साउथर्न पार्ट मान लो, तो साउथर्न पार्ट के अंदर ये जो इतना एरिया है इसके अंदर साउथर्न पार्ट के जितने भी पीपल्स होते हैं उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रख रखा है। नॉर्थ के अंदर तो यूरोपियंस आ गए, इन्वेडर्स आ गए, तो नॉर्थ वालों का जो कल्चर है वो तो इंटरमिंगल हो गया, लेकिन साउथर्न वाले जितने भी पीपल्स होते हैं उन्होंने अपने नेटिव कल्चर को बचा के रख रखा है। तो ये बाद में ईवी रामास्वामी नायकर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो तमिल्स और जो ड्रेविडियंस है, ड्रेविडियंस जो वहाँ के इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं उन्हें ड्रेविडियंस बोला जाता है, तो तमिल्स और जो ड्रेविडियंस हैं वो अपने कल्चर के ट्रू अपहोल्डर्स हैं, वो अपने कल्चर को बचा के रखते हैं। विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाई ब्राह्मण्स, लेकिन उनके कल्चर को ये जो ब्राह्मण्स होते हैं इन्होंने सब्जुकेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। Convinced that untouchables had to fight for their dignity. अब बाद में ईवी रामास्वामी नायकर क्या बोलते हैं कि जितने भी untouchables होते हैं उन्हें अपनी dignity के लिए क्या होगा, उन्हें लड़ना होगा, उन्हें अपनी dignity के लिए fight करनी होगी, अगर आप fight नहीं करोगे तो आपको हमेशा दब के रहना पड़ेगा ब्राह्मण से, तो आपको क्या करना होगा, अपनी सेल्फ डिग्निटी के लिए आपको फाइट करना होगा। तो बाद में वो फाइट कहाँ पे करेंगे, तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब उसके अंदर उन्होंने बोला कि आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना होगा ताकि आपको भी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी से देखा जाए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने, और उन्हें प्यार से रिस्पेक्ट से पैरियर भी
बोला जाता है। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो पैरियर वाज आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, मतलब जो पैरियर है, जो ईवी रामास्वामी नायकर है, आउटस्पोकन क्रिटिक, वो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं किसको, हिंदू स्क्रिप्चर्स को। हिंदू स्क्रिप्चर्स मतलब जो ग्रंथ होते हैं, ऐसे आइडियाज जिनको ब्राह्मण्स यूज़ करते हैं डोमिनेशन के लिए। तो जिन आइडियाज़ को ब्राह्मण्स यूज़ करते हैं डोमिनेशन के लिए, वो हिंदू स्क्रिप्चर्स या फिर ग्रंथ कहलाते हैं। तो वो जो ईवी रामास्वामी नायकर है, वो उनको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो ग्रंथ है और जिन आइडियाज़ का ब्राह्मण्स यूज़ करें, जिस बुक से यूज़ करें, वो बुक से क्या है, गलत है। तो जैसे कोर्स ऑफ मनुस्मृति, जो मनुस्मृति बुक है, उसके अंदर ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको प्रमोट किया गया है। तो बाद में जो ईवी रामास्वामी नायकर है, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। भगवद गीता और रामायण, इनको भी जो ईवी रामास्वामी नायकर है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है। तो आप तो सोचोगे कि भगवद गीता, रामायण, इन बुक्स को तो हम अच्छा बुक मानते हैं, लेकिन फिर ईवी रामास्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ईवी रामास्वामी को लगता है कि ये जो बुक है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है। ब्राह्मण्स इन्हीं बुक्स का यूज़ करके डोमिनेशन के लिए डोमिनेट करते हैं। तो ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी। वो क्या बोलते हैं कि इन्हीं टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। कौन सी अथॉरिटी को? तो ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट, जितनी भी लोअर कास्ट होती है, उसके ऊपर ब्राह्मण्स अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, और जो मैन होते हैं, वो भी वुमेन के ऊपर डोमिनेशन करते हैं। तो ब्राह्मण्स जो लोअर कास्ट होते हैं, उसके ऊपर डोमिनेशन के लिए इन्हीं बुक्स का यूज़ करते हैं, और जो मैन होते हैं, वो वुमेन के ऊपर डोमिनेशन के लिए इसी इन्हीं बुक्स का यूज़ करते हैं। तो वो इन बुक्स को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और कंक्लूजन क्या निकला? तो इसका इम्पैक्ट हम जानेंगे और हम कंक्लूजन जानेंगे। तो जो ईवी रामास्वामी नायकर है, इन्होंने तो करंट दिया, और उधर से क्या आया, काउंटर करंट। मतलब मैंने आपको कुछ बोला तो मैंने करंट दिया, और आप उधर से कुछ बोल रहे हो, तो वो काउंटर करंट हो गया। तो अब हम इम्पैक्ट और कंक्लूजन जान लेते हैं कि लोगों का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, और हम इस नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का पूरा कंक्लूजन भी समझ लेते हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जैसे काउंटर, जो काउंटर करंट काउंटर ऐसे होने लगे, तो क्या होता है कि जैसे मान लो जो ईवी रामास्वामी नायकर है, वो कुछ बोलते हैं और उधर से उनके अगेंस्ट में कोई बोलता है। ईवी रामास्वामी तो रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो दिस असर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ये जो भी बोला ईवी रामास्वामी नायकर ने, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, जो रूढ़िवादी हिंदू सोसाइटी थी, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो इसको प्रमोट नहीं करते थे। वो बोलते थे कि अब जो सिस्टम चला आ रहा है, वो चलने दो। आप जो बोल रहे हो, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये तो हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे तो चलने देना चाहिए। तो बाद में जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी है, वो क्या करती है, फाउंडेड सनातन धर्म सभा, वो सनातन धर्म सभा बनाती है। और ये सनातन धर्म सभा क्या करती है, वो उनको क्रिटिसाइज करती है पैरियर को, और बोलती है कि ये जो सिस्टम चला रहा है, इसे चलने देना चाहिए। ये जो लोअर कास्ट के पीपल है, ये लोअर कास्ट के ही रहेंगे, और हम आर्यन भी नहीं है। तो वैसे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी है, वो अलग अलग सभा को इस्टेब्लिश करती है, जैसे भारत धर्म मंडल। अब ये भारत धर्म मंडल कहाँ पे, हरिद्वार के अंदर हुआ था, तो हरिद्वार के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया था भारत धर्म महामंडल। फिर ब्राह्मण सभा इन बंगाल, और ब्राह्मण सभा को इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर ब्राह्मण्स जो थे, वो डोमिनेट करते थे लोअर सोसाइटीज़ को, लोअर पीपल्स को, लोअर कास्ट को। तो वो बोलते थे कि नहीं, हम ब्राह्मण्स लोग जो हैं, वो ऊपर हैं, और ये कास्ट प्रिजुडिस सिस्टम चलता आना चाहिए, ये हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिखा हुआ है।
तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? अब इन्होंने ये धर्म क्यों बनाए, सनातन धर्म सभा, ये सभा क्यों बनाई उन्होंने, जैसे सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ब्राह्मण सभा, ये क्यों बनाए उन्होंने? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। वो चाहते थे कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन सिस्टम चला आ रहा है इसे चलता रहने दो। एंड शो हाउ दिस सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। और वो बोलते हैं कि ऐसा हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा है तो ये चला आना चाहिए एट टाइम। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये तो इन्होंने बोल दिया कि ये तो सिस्टम चला आना चाहिए, और इन्होंने ईवी रामास्वामी नायकर को उनके अगेंस्ट पे जाना भी स्टार्ट कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी सभा भी उन्होंने बना दी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? एट टाइम इट लीड टू रीथिंकिंग एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर। तो क्या हुआ कि पहले जैसे मान लो आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप किसी को पता ही नहीं है, आप वो गलत करते जा रहे हो। लेकिन मान लो एक बार आप क्या हो, आप कहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे बहुत सारे पीपल बैठे हैं, तो किसी ने आपको वो गलत करते हुए देख लिया। पहले तो आप करते जा रहे थे, किसी ने आपको देखा नहीं था, और आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन कोई देख रहा नहीं, आप वो गलत करते जा रहे हो। लेकिन एक दिन किसी ने आपको देख लिया और उसने आपको बोल दिया, या फिर आप किसी ग्रुप के अंदर बैठे हो तो उन्होंने आपको सभी लोगों के सामने बोला, तो आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने जो किया है वो गलत है, तो आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा। वैसे ही जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने पहले तो ईवी रामास्वामी नायकर को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार हम लोअर कास्ट के पीपल्स के साथ में गलत कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो हमारा ये जो टॉपिक है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो हम बाद में कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वेद समाज, ब्रह्मो समाज, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं, हम अलग अलग उनको पढ़ेंगे। अगर कुछ जो सभा है वो छोटी होंगी तो मैं एक वीडियो के अंदर ही 2 या 3 को कंप्लीट कर लेंगे, तो बाद में हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो से हम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्रह्मो समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण परमहंस मंडली, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।